तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वो अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। नांदेड़ के बाद पीएम मोदी ने परभणी में भी जनसभा की। यहां उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुस कर मारता है, और हर जगह यही चर्चा होने लगी। हालात ये है, इंडी अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं, और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं, 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की, जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। और देखिए, कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को, ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे।